हेलो एवरीवन, तो पांच क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जबरदस्त तरीके से था और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहतरीन टाइप का था। ये 4 नंबर के लिए तो आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे ही अब मैं चाहता हूं ना, वीडियो का पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करो अपने से, कैसे कर पाते हो। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि यार एक बार आप खुद को तो एक बार टेस्ट करो ना, खुद का एनालाइज तो करो यार, आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो मैं हल करता हूं। मैं चाहता हूं कि अब तक ना आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लियोगे, अब ना अपना ना आंसर मेरे से मिलाओ। देखो, संक्रिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, संक्रिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो चलो इसको मैं सारणी ए दे देता हूँ, तो क्या क्या दिया है, एक एक एक, ओके, वन वन माइनस एक्स, वन 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 माइनस वाई, बहुत बेहतरीन। अब देखो संक्रिया मैं बताऊं क्या लगा रहा हूं, पहले तो R1, R2, R3 है, ये पहले आराम से देखा करो, ये R1 है, एग्जाम में ये R1, R2, R3 लिखने की जरूरत नहीं है ना, अभी इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि वहां लिखने की जरूरत ना पड़े। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। देखो किस में जीरो मिल जाएगा, तो बताऊं किस में जीरो मिलते मेरे को दिख रहा है, जब मैं R1 में कुछ छेड़खानी करूं R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो मिल जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो मिल जाएगा, गजब। और कुछ करते बन रहे क्या, तो मैं करता हूँ ना R2 में R2 माइनस R3 कर देता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस में छेड़खानी किया, सर आप R1 में करे सर और R2 में करे सर, तो मतलब R1 और R2 चेंज होने वाला है, R1 और R2 चेंज होने वाला है, तो ध्यान से देखना क्या आने वाला है, R1 और R2 चेंज होने वाला है, तो कर देते हैं ना। तो देखो R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो, ओके जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, ओके जीरो, ये क्या होगा 1, यहाँ पे कर दूँ 1 माइनस 1 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, 1 माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 1 और 1 कैंसल हो गया तो आया वाई, तो यहाँ पे लिख दो ना वाई, ये लो। अब R2 को भी चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो, ओके 1 माइनस 1 जीरो, ओके 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 और 1 कट गया तो माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स। अब क्या कर रहा हूँ 1 माइनस इतना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या है 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये कैंसिल तो आ जाएगा वाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा वाई। अब आर थ्री से मैं कुछ पंगा नहीं लिया हूं, तो आर थ्री जैसा है वैसे लिख दो, ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस वाई। अब देखो यहां पे ना, चाहो तो आप R1 ले सकते हो क्योंकि दो जीरो मिल गया, चाहो तो आप C1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जहां ज्यादा जीरो है ना वो हम लोग को लेना पड़ता है। तो अब तक हम लोग तो R1 लेते आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार ना इसको टारगेट कर लेते हैं, तो देखो ये आएगा सारणी के एक। अब मेरे को मालूम है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, सारणी में ये हमेशा याद रखना। तो ये क्या है, यहाँ पे वाला अवयव क्या रहता है प्लस, तो ये मैं प्लस डाल दिया और जीरो उतार दिया जो है एज इट इज। अब यहाँ पे क्या लूंगा, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को नहीं लूंगा, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई वन वन माइनस वाई, वन माइनस वाई आया था यहाँ पे, ये मैं इसको घटाया था, हाँ ठीक है वन, ठीक है ठीक है। अब देखो ये वाला अवयव के पहले चिन्ह कौन सा रखता है, माइनस, तो ये माइनस, अब जो अवयव है चुपचाप उठा के रख दो, ये उठा के रख दिया, तो इसके सामने वाली पंक्ति और सामने वाले स्तंभ को नहीं लूंगा, तो क्या बचा, जीरो वाई, जीरो वाई वन वन माइनस वाई, वन माइनस वाई, क्लियर है। अब इसको टारगेट किया मैं, तो इसको टारगेट करते हैं, चिन्ह क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये लिख दिया मैं प्लस वन, ये प्लस और ये जो है वैसे लिख दो वन। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको और इसको नहीं करूंगा, तो जीरो वाई, जीरो वाई माइनस एक्स वाई, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या पूरा, इसको जीरो को नहीं लिया तो माइनस एक्स वाई वन वन माइनस वाई, क्लियर है। अब इसको लिया, ये और ये नहीं लूंगा तो जीरो वाई वन वन माइनस वाई, क्लियर है भाई, ये और ये नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो जीरो का मल्टीप्लाई इससे होगा तो जीरो, माइनस जीरो का मल्टीप्लाई इससे होगा तो जीरो, प्लस वन, अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जीरो का गुणा वाई से होगा तो जीरो आएगा। दुनिया में ना किसी भी चीज़ का गुणा ना जीरो से करके देखो आप लोग, अच्छा लगेगा, किसी नंबर से देखना जीरो आएगा, अच्छा लग, फील अच्छा आता है। माइनस,
अब देखो माइनस सॉरी वाई का गुणा माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस एक्स वाई आएगा, माइनस एक्स वाई आएगा, माइनस एक्स वाई। तो ये जीरो जीरो को हटाओ तो क्या हो जाएगा, ये वन जीरो माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस, तो ये एक्स वाई। तो जीरो प्लस एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई, एक्स वाई इंटू वन क्या होगा, एक्स वाई। तो सारणिक एक का आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तर, या तो लिख दो आंसर क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब यहां से भी करोगे ना तो भी वही आएगा, यहां से भी करोगे तो वही आएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अभी कॉपी में समझने के लिए ये डायरेक्ट जीरो लिख दो, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठोगे तो लिखना जीरो और इसको ना इसका मल्टीप्लाई इससे करना, इसका मल्टीप्लाई इससे करना, उसके बाद डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देना, उसके बाद डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देना। अगर ये भी आप डायरेक्ट कर दोगे ना तो कोई गलत नहीं है, फिर भी कोई चेकर कभी कभी गुस्से में पेपर चेक कर रहे तो एक आधी नंबर काट देगा, पर भाई ये भी तो हम लोग सही करें। जीरो का गुणा मैं अगर इससे करूंगा तो जीरो लिख सकता हूं, और क्यों इसको लिखूं सॉल्व वॉल्व करके, पर फिर भी 30 सेकेंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना, जैसे 2x2 का सारणिक करते हैं, उसके अगला स्टेप में ये वाला स्टेप डाल देना। क्या बोला, मस्त ठंडे दिमाग से सोचो। अब ये क्वेश्चन जो है जबरदस्त है, इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर के लाएंगे। तो अभी तक तो इजी था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क डालो, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क डालो। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। हल मैं लिखा, ठीक है, ध्यान से बस देखते रहना ना, ध्यान देना ही तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं क्या करूं, किसमें किसको घटाऊं। अभी तक क्या कर रहे थे, इस R1 में R2 को घटा दे रहे थे, R1 में R3 घटा दे रहे थे, ऐसी टाइप से कर रहे थे हम लोग तो, ठीक है। अब इसमें क्या करूं, दिमाग लगाना है हम लोग को, ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो अब इसमें क्या करें, तो जब ऐसा वाला होता है ना, ध्यान से देखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो कैसे करना आप लोग देखना। आप लोग सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखो, संक्रिया लगाया मैं, C1 में मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, क्या छेड़छाड़, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसको सारणी ए लिया मैं, संक्रिया क्या लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूँ। अभी तक क्या कर रहे थे, R1 में R1 माइनस R2 ले रहे थे या R1 माइनस R3 ले रहे थे, अब क्या कर रहा हूँ, C1 में मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में आप लोग को ऐड करूंगा। तो ये हो गया C1, ये आप लोग को C1 हो गया, ये पूरा C1 ऐसे करके अगर मैं दिखाऊं तो ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। क्लियर है क्या, ये हो गया C1 C2 C3। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 में चेंज कर रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो इसको मैं ऐड कर रहा, तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस 2c, ये हो गया C1 प्लस C2 क्या है, ए प्लस C3 प्लस C3। ये देखो अभी इसका काम हुआ। अब इसमें देखो ये है C प्लस बी प्लस C प्लस 2a, अब इसका काम कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है, 2a प्लस बी प्लस बी, अब इसका काम कर रहा हूँ, C प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस 2b। C1 में मैं छेड़छाड़ किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, अब C2 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, तो C2 को वैसे लिख दो ए बी प्लस सी प्लस 2a और ए। C3 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैं छेड़छाड़ सिर्फ C1 में किया हूं, तो सिर्फ C1 को बदलूंगा, और C1 में क्या छेड़छाड़ किया, C1 C2 C3 को जोड़ा। तो ये देखो C1 C2 C3 को जोड़ा, C2 को ऐसे लिख दिया मैं, C3 को भी ऐसे लिख दूंगा, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए प्लस 2b। ये अब देखो क्या आ रहा है, इसको जोड़ो ना क्या आ रहा है, मजा आएगा, जोड़ो। ये देखो a प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b और ये 2c, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसको जोड़ो ना, ये 2a बी प्लस बी 2b और c प्लस c 2c, तो यहाँ पे भी वही आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पे देखो ना, जोड़ो ना, a प्लस ए 2a, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ये 2b है ना, यहाँ पे ये 2b है, ये 2b है, ध्यान से देखना है, देखो
तो ए प्लस ए टू ए, ये टू बी, सी प्लस सी टू सी, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी। अरे सिर्फ जोड़ा हूँ भाई, सिर्फ जोड़ा हूँ, तो ये लिख दिया सी वन को लिख दिया, अभी सी टू वाले को लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो ये हो गया ए बी प्लस सी प्लस टू ए, और ये हो जाएगा ए, ये सी टू को लिख दिया। अब सी थ्री को लिख रहा हूँ, बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी, ये लो भाई, क्लियर है क्या? अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, और आप लोगों को कॉमन निकालना भी सिखाया गया है, कॉमन निकालना और गुणा करना। कॉमन निकालना नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो। देखो यहाँ पे 2a 2b 2c 2a 2b 2c 2a 2b 2c, हम किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं इस एक पंक्ति से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या कॉमन निकाल रहा हूँ? 2a प्लस 2b प्लस 2c को मैं कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो इसमें मैं कॉमन निकाल लिया 2a प्लस 2b प्लस 2c को कॉमन निकाल लिया, तो 1 बचेगा, इसमें से भी इसको कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, इसमें से भी कॉमन निकाला तो 1 बचेगा। अब क्या आया? a, और यहाँ पे क्या बचा है? b प्लस सी प्लस टू ए, यहाँ बचा है a, यहाँ क्या बचा है? b, ये b, c प्लस a प्लस टू बी, ये लो ये आ गया, ये क्लियर है कि ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ना रफ कर देता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, हो गया। अरे भाई ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, और कोई ऐसा भारी क्वेश्चन नहीं है, देखना ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन और लिया हूं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन और लियो। अब क्या आने वाला है? ये हो गया ना यार, ये आ गया। इसमें देखो दो कॉमन निकाल रहा हूँ, दो कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सिद्ध जहाँ मैं करना है ना, ये देखो दो बाहर है, तो इसमें से दो बाहर निकालता हूँ, तो ये दो बाहर निकाला, दो कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया है ना। अब वो क्या है एक बार लिख लेता हूँ मैं, क्या है? वन ए पी, वन बी प्लस सी प्लस टू ए, और ये हो गया b, इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड करके लिख देता हूँ b, फिर क्या है? 1 a c प्लस a प्लस 2b। अब देखो कुछ संक्रिया कर सकता हूँ, हाँ संक्रिया कर सकता हूँ, देखो ना जीरो आ जाएगा, इसमें से इसमें क्या जीरो आ जाएगा, ये और ये कर दूंगा तो जीरो आ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें r1 में मैं संक्रिया लगाया, r1 माइनस क्या कर देता हूँ, r1 माइनस r3 कर दिया, r1 माइनस r3 कर देता हूँ, R1 माइनस R3 कर दिया, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, R1 माइनस R3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी में जीरो हो रहा है क्या? हाँ, इसको और इसको भी घटा सकता हूँ, इसको और इसको भी घटा सकता हूँ, तो मैं क्या कर दिया, R2 R2 में R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ये रफ किया मैं, ये लो रफ किया, ये मैं पूरा रफ कर दिया, ये मैं पूरा रफ कर दिया, ठीक है। अब देखो संक्रिया क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचा है बाहर, 2a इंटू प्लस में क्या, हाँ ओके भाई प्लस में, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, देखो संक्रिया किस में लगा रहा हूँ, r1 में, तो r1 चेंज होगा, r1 माइनस r3, तो 1 माइनस वन जीरो, a माइनस ए जीरो, b माइनस इतना करूँगा, b माइनस इतना, तो देखो क्या आएगा, b माइनस क्या है, c प्लस ए प्लस टू बी, तो ये b माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, यहाँ पे ध्यान से देखो ये आ जाएगा, इससे b माइनस टू बी क्या होगा, माइनस b होगा, b माइनस टू बी, बड़े संख्या का चिन्ह लगता है, तो ये माइनस b माइनस सी माइनस ए, तो इसको ढंग से ऐसे लिख दूँ, माइनस a माइनस b माइनस c, तो इसमें लिख देता हूँ माइनस, कॉमन निकाल दूँ, इसमें माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन निकालता हूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब सेकंड वाला क्या है, इसमें भी चेंज किया हूँ, आर टू माइनस आर थ्री, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, इसमें ये घटाऊंगा तो बी प्लस सी प्लस टू ए माइनस ए हो जाएगा, टू ए माइनस ए, तो टू ए में ए जाएगा तो ए बचेगा, तो यहाँ पे भी देखना ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब b माइनस इतना कर रहा हूँ, b माइनस इतना, तो इसमें भी बताऊँ क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये आप लोग करोगे तो इसमें बताऊँ यही आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, करके देखो सॉल्व करके देखो, b
माइनस इतना, तो सब में साइन चेंज हो जाएगा, सब में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसा ही आएगा, देखो सेम है, बी माइनस ये, बी माइनस ए, तो वो आ गया। अब इसको ऐसे ही उतार दो, क्योंकि तो इसमें तो छेड़खानी नहीं है, इसको ऐसे ही उतार दो, सी प्लस ए प्लस टू बी, अब हो गया। अब इसमें मैं खोल देता हूँ ना, आर वन को लेके, आर वन को टारगेट करके मैं खोल देता हूँ, आर वन को टारगेट कर दिया मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी प्लस सी, ये पहले वाले को करूँगा तो धन जीरो, ठीक है। अब ये और ये, तो यहाँ पे कुछ भी आए, या आप लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आए तो ज़ीरो ही होगा। अब इसको करने से पहले माइनस लेता हूँ, ज़ीरो, ये और ये नहीं लूँगा, कुछ भी आए वो ज़ीरो ही होना है, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई है। अब क्या करता हूँ, प्लस, इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ, इस अवयव को लेने से पहले मैं प्लस डालता हूँ, ये मैं प्लस डाला, अब इस अवयव को ले लूँगा यहाँ पे, ये तो माइनस में ना, तो इसका माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं सिर्फ माइनस लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली पंक्ति और ये वाला, सॉरी, ये वाला स्तंभ वाली पंक्ति को नहीं लेंगे, तो क्या बचेगा, जीरो का गुणा एक से, ए से करूंगा तो जीरो, माइनस इसका गुणा इससे करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ध्यान से देखना, बस गुणा है, कोई बड़ा चीज नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या आ गया, अब आंसर आ गया, टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो, जीरो में इतना जाएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो माइनस इतना क्या हो जाएगा, जीरो में इतना घटाओगे तो यही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। अब देखो, माइनस इतना का गुणा माइनस इससे करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का गुणा ए प्लस बी प्लस सी से करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी, अब इसका गुणा कर दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब इसका गुणा इससे करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, दो और एक घात जुड़ जाते हैं, तो फाइनली आंसर क्या आया, टू ए प्लस बी प्लस सी की घात तीन, है ना, घात जुड़ जाते हैं, इसकी घात एक है, इसकी घात दो है, दो और एक तीन, अगर आधार सेम है तो घात हम लोग का जुड़ जाते हैं, तो क्या आ गया, ये आ गया। और यही देखो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अध्याय को खत्म कर दूंगा। तो मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा।